वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ सोया राइस, और मैंने सोया को धो लिया है। इसके साथ ही मैंने आलू को भी मीडियम साइज में काट लिया है। इसके बाद मैंने लहसुन प्याज और मिर्च को चॉप करके रेडी कर लिया, ताकि ये ना हो कि गन चढ़ाएँ और सामान अरे ये डालना है वो डालना है वाला झंझट ना हो। उसके बाद मैंने गंज गरम होने के बाद मैंने उसमें तेल डाला, राई, ज़ीरा, कड़ी पत्ती और फिर मिर्च का छौंक लगा। छौंक लगाने के बाद थोड़ा चलाया, उसके बाद लहसुन की कुछ कलियां डालती हूँ, फिर प्याज चॉप किया और प्याज डालते हैं और उसे पिंक होने तक चलाते हैं। उसके बाद पिंक होने के बाद हम कटे हुए आलू डाल देते हैं। कटे हुए आलू डालने के बाद थोड़ा उसे हम भूंजते हैं ताकि थोड़ा पक जाए। थोड़ा चलाने के बाद अब थोड़ा प्यास लगा है तो पानी भी पी लिया जाए। उसके बाद हम डाल देते हैं सोया, और सोया को दोनों को भूंज लेते हैं। फिर याद आया कि अरे यार मैंने तो टमाटर काटे ही नहीं है, चावल भी नहीं धोया, तो फिर मैं लग गई चावल धोने। फिर कुछ टाइम बाद फिर हम अरे डालना है नमक मसाले वगैरह, तो नमक डालते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल के फिर टमाटर डाल के हम भूंजते हैं थोड़ा देर। थोड़ी देर भूनने के बाद हम थोड़ा धोए हुए जो राइस थी उसे डाल देते हैं और फिर सबको मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर बाद हम बिरयानी मसाला भी ऊपर से डाल सकते हैं। उसके बाद हम जितने आप चावल ले लो उतने गिलास पानी ले लो, उसका डबल। उसके बाद थोड़ी देर बाद ढक दो 10-15 मिनट, फिर आपका पुलाव, वेज पुलाव रेडी हो जाएगा। तो हम मेरा बना हुआ पुलाव तो अच्छा था, आप लोग बताना कि आप लोग बना के देखना कैसा लगता है, फिर मुझे बताना, मेरे वीडियो में कमेंट करना कि कैसा बना था आपका वेज पुलाव। सुबह।